और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में वोटिंग इस वक्त जारी है। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला है। केरल के पोनानानी में मेट्रोमैन और बीजेपी उम्मीदवार ई श्रीधरन ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने चेन्नई में वोट डाला। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। पांच राज्यों में इस वक्त वोटिंग जारी है। केरल की 140 सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है, जहां पर पिछली बार एलडीएफ को 91 सीट मिली थी, तो कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत का आंकड़ा 71 है। और देखिए किस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिग्गजों के जरिए सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा की खबर है। बंगाल ब्रेकिंग के जरिए अहम खबर आप तक पहुंचा दे। उत्तर उलुबेरिया में बम फेंके जाने के बाद बताया जा रहा है कि इलाके में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। बम फेंकने के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल इस वक्त पैदा हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अफसर के घर से ईवीएम बरामद की गई है। उलुबेरिया की पहली तस्वीर आप देखिए, आपके सामने मौजूद है। और वहीं पर किस तरह से बमबाजी से हड़कंप मचा है, वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बमबाजी के बाद की तस्वीर देखिए, किस तरह से यहां पर हड़कंप के तौर पर सामने आई है। बीजेपी के जो झंडे हैं वो यहां पर गिरे और बिखरे नजर आ रहे हैं। बमबाजी यहां पर की गई है। अब कहां से ये बमबाजी हुई, कहां पर किसको कितना नुकसान पहुंचा, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। तो पहली तस्वीर में अफसर के इस घर पर ईवीएम बरामद होता है, तो कहीं 24 परगना में बमबाजी होती है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी और साथी रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। धीरेन्द्र, आपकी तरफ रुख करेंगे। ये दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और तमाम सियासी जो बवाल और हंगामा लगातार इन तीन चरणों में हमें अब देखने को मिल रहा है, पहले दो चरणों में भी देखने को मिला, भले ही वो छुटपुट तौर पर क्यों ना रही हो, अभी भी बमबाजी की ईवीएम मिलने की जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो क्या अपने आप में बयां करती है? इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी कोशिशें, बावजूद इसके किस स्तर पर नाकामी यहाँ पर सामने आती है? देखिए, पूरी तरह से अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा एक लगातार होने वाला एक प्रोसेस था, जिसमें इस बार 8 फेज में ले जाकर इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह के स्टेक है, जिस तरह का एक दूसरे के साथ एक हाई वोल्टेज, एक पूरा एक युद्ध की तरह है, जो पूरा चुनाव टीएमसी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से वहाँ एक एक सीट पर एक एक वोट पर मारामारी है, वहाँ एक दूसरे पर इस तरह की खबरें, और खासतौर से चूंकि टीएमसी इस समय सत्ता में है तो उसको जिसका फायदा मिल रहा है, जिस तरह से उसने एक मैकेनिज्म तैयार किया है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये चीजें बहुत ही झेलनी पड़ रही हैं। और लेकिन ये पूरा लगातार बढ़ता हुआ जाएगा, ये इस फेज से जो शुरू होगा, क्योंकि ये जो फेज है, पहले दो फेज में बीजेपी ने इसको अपने हक में माना था, लिहाजा इस पर टीएमसी पर काफी दबाव भी है। और आप इस तरह की अगर आप ईवीएम देख रहे हैं तो सिर्फ अभी तक ये था कि बीजेपी पे के कुछ लोगों पर यह कहा गया, जो हम लोगों ने आसाम में देखा कि ईवीएम गाड़ी में रखकर ले जाई गई, लेकिन यहां तो ईवीएम और वीवीपैट मशीन उनके घर से मिल रही है। ये तमाम चीजें बता रही है कि इस पूरे चुनाव में कितना ज्यादा स्टेक्स पर हैं दोनों पार्टियां अपने, जहां एक तरफ केंद्रीय लीडरशिप के सहारे बीजेपी पूरी कैंपेन में थी, कारपेट कैंपेनिंग जिसको कहते हैं वो की गई, और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी अपने दम पर इस पूरी कैंपेन को चलाए हुए हैं। लिहाजा इस समय सुरक्षा बलों की इतनी भारी तैनाती भी इस बात को नहीं रोक पा रही है। लेकिन मतदाताओं को मैं ये सबीना जरूर दिखा दूं कि मतदाताओं के उत्साह को वो लोग नहीं रोक पा रहे हैं। अगर किसी को ये है कि मतदाता रुक जाएंगे वोट करने से, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा। रिकॉर्ड मतदान की तरफ जाते तय वक्त में और ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बमबाजी से, इस तरह के हंगामे से डरना नहीं है, बल्कि इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने मत का इस्तेमाल करना आज हर किसी की जिम्मेदारी यहां पर बन जाती है। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रविकांत, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे, बाकी राज्यों पर भी क्या कुछ इस वक्त जारी है वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे।